गाइस, आप सभी को हॉरर गेम वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, तो मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने कुछ साल पहले एक केस सॉल्व किया था, जो मैंने वीडियो बनाई थी गाइस, उसमें ये होता है कि दो भाई बहन मर जाते हैं और भाई उनका जो थोड़ा ऐसा होता है कि उनकी जो आत्मा होती है वो भाई भटक रही होती है और पता नहीं चलता कि उनकी मौत की वजह क्या है। तो यार मेरे साथ कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि दो भाई बहन जो है मेरे को बार बार दिख रहे हैं, वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैं वहां जाऊं, उस घर में दोबारा से तलाशी लूं और ये देखूं कि भाई उनकी मौत कैसे हुई और उनकी भाई आत्मा जो है ना अभी भी वहां पे भटक रही है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा भाई, सजा दिलवानी पड़ेगी कि उनकी मौत की जो वजह थी वो पता चल जाए, जिसने भी उनको मारा। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ गाइस, मैं पहले अपने पुलिस स्टेशन आया हूँ, यहाँ से मैं मैप लूँगा और मैं उस घर में जाऊँगा जो कि यार एकदम बहुत ही डरावना घर है और काफ़ी डरावनी वीडियो होने वाली है। इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जो कि गाइस आप एकदम हैरत में पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, ये हॉरर गेम है। तो गाइस बैठे रहिए, इत्मीनान से वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमने गाइस एक कॉफ़ी का मग लिया है और ये ले लिया है, जो भी काम का सामान है गाइस हम सब ले लेंगे। अब हम जाते हैं भाई जहाँ पे ये खून हुआ था दो सिबलिंग का, जो अभी आपको दिखाऊंगा मैं, दो भाई बहन की आत्मा अभी भी इसी घर में है। तो मैं गाइस अंदर जाता हूँ। यार ये डरावना पल है बहुत ही ज़्यादा, ये भाई क्या, यहाँ पे तो कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं भाई यहाँ क्या है, ये देख रहे हैं भाई, ये कुछ यहाँ पे भाई, यहाँ फिर से कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि भाई पड़ोसी लोग भी काफ़ी डरावने हैं भाई, डर चुके हैं और वो सब इस घर में आना क्या भाई, इसके पास रहना पसंद नहीं करते। ये क्राइम हुआ था भाई, मैंने आपको अभी दिखाया ये भाई विंडो पर, चलो कोई नहीं है, तो यहाँ देखना पड़ेगा। गाइस मेरे को यहाँ पे भाई कुछ लेना है, चीटी वगैरह जो कि दीमक है गाइस, ये क्या करेगी, वो जो डोर है ना क्लोज वाला उसको ओपन करने में हेल्प करेगी। तो भाई करते हैं, चलो ड्रॉअर में देखते हैं क्या है। फिर से एक पिक मिला गाइस, इस पे लिखा हुआ है थर्सडे, चलो कुछ नहीं, हम आगे देखते हैं भाई, इसको ओपन करेंगे, चलो चलते हैं। टीवी तो भाई ऑन नहीं होगा, ये ड्रॉअर में कुछ नहीं है, चलो खाली पड़ा है, ये भी इसमें भी कुछ नहीं, वही पिक है सेम। आगे बढ़ते हैं गाइस, हमें जो है ना भाई ये एस्केपिंग गेम जो भी हॉरर गेम होते हैं उसमें छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि यार ये हमारे काम आ जाती है। फाइनली गाइस हमने डोर ओपन किया, यहाँ पे तो और लोचा होने वाला है भाई, क्या एकदम डरावना सीन। अबे ये क्या, अबे देखा गाइस आपने देखा, पीछे कुछ था मेरे, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो भाई संभल कर बैठे रहिए, हम आपको अभी कुछ और दिखाएंगे भाई। ये लॉक है, चलो इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका बल्ब लाना है। ये भाई जितना भी सामान है भाई, ओ ये भाई बंदा मेरे को इशारा कर रहा है कि इधर जाना है। काश ये दोनों की आत्मा भटक रही है, वो पता नहीं क्या सीन है भाई यहाँ पे इस टाउन में, जो भाई ये खेल होते रहते हैं कि भाई ये मौत का खेल चलता है, कभी भी कोई भी गायब हो जाता है और भाई यहाँ पे इतना डरावना रहता है, सभी सभी लोग डरे हुए रहते हैं। कुछ तो यार यहाँ से घर छोड़कर चले गए हैं, तो मैं भाई इस मिस्ट्री को, ओ भाई ये कौन था। खाइस यहाँ पे फिर से मेरे को कुछ मिला, ये चलो पत्ती कुछ नहीं काम आने वाली। यार सारा घर जो है एकदम लॉक पड़ा है, ये भी भाई लॉक है, चलो सबको मैं ओपन करूँगा गाइस, दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या होगा और भाई इन दोनों की मौत का राज का भी हम पता करेंगे कि दोनों भाई बहन की मौत कैसे हुई। भाई एकदम बहुत ही प्यारे बच्चे थे यार, दोनों मर चुके हैं, तो भाई उनकी आत्मा है, तो भाई चलो उसको मुक्ति दिलाते हैं, हम कुछ करते हैं उनकी हेल्प। ये भाई ऑन हो चुका है, आगे यार इसमें जितना आगे जाएंगे ना गाइस उतना खतरनाक होता चला जाएगा, डरावना होगा, क्योंकि आज शैतान को पता चल जाएगा कि हम आ चुके हैं। मेरे को तो गाइस ऐसा लगता है कि इनकी मौत जो हुई है ना वो किसी भाई एबनॉर्मल एक्टिविटी, नहीं वो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि भाई किसी भूतिया या कैसे चुड़ैल, कुछ कुछ भी यार, चलो मैं नहीं कर रहा ये बात क्योंकि मुझे डर लग रहा है, मुझे यही लगता है कि भाई कुछ ऐसा हुआ होगा कि भूत वगैरह जो भी, चलो वो आगे पता चलेगा। गाइस इसको जोड़ते हैं भाई, इसको जोड़ने के बाद हमको कुछ मिलेगा यहाँ पे भाई, क्योंकि यार ये जितने भी मिस्ट्री गेम होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ राज होता है छोटी छोटी चीज का। तो चलो गाइस इसको करते हैं। तो गाइस अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। गाइस हमने एक वीडियो डाल रखी है, अ गर्ल इन अ विंडो, तो वो जो है गाइस वो इसी का फर्स्ट पार्ट है, उसको देखना, वो भी एक हॉरर गेम है। तो चलते हैं भाई इस वाले घर में क्या है। यार ये सब तो लोग पड़ा है भाई, कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे तो चक्कर आ गए भाई। यहाँ पे आते हैं, चलो यहाँ करते कुछ, यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। ये वाला सीन तगड़ा चल रहा यार, किधर भाई कहाँ जाना पड़ेगा, एकदम घुमाओ गेम है गाइस।
क्योंकि यार इसकी मिस्ट्री सॉल्व करनी पड़ेगी, काफ़ी दिमाग लगेगा भाई। ये सर चाहते हैं इधर क्या मामला, यहाँ पे तो यार कुछ मेरे को नज़र नहीं आ रहा। बच्चे लोग आपको बताओ कुछ दिख रहा है? पुलिस स्टेशन आते हैं यहाँ से भाई, क्या लेकर जाऊँ ऐसा, जब बुक में भी कुछ नहीं, ये भी सब लॉक पड़ा है यार, सारा का सारा सामान लॉक है और मैं कुछ कर भी नहीं सकता यार, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा। मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को एक वायर की ज़रूरत है। तो मैं पहले गाय से बाहर देखता हूँ कहीं पे वायर पड़ा होगा, वो मैंने देखा था, कहाँ देखा था याद नहीं आ रहा। अरे वहाँ था यार, मुझे जाना पड़ेगा अभी, वहाँ पे एक वायर था, उसको मैं काम करूँगा भाई, कहीं पर लगाना है मेरे को। कहाँ लगाना है, लैंप में लगाना शायद। ये चलो ये घर भाई, विंडो ओपन कर दी। ये भाई यार ये उल्लू का वो सीन है, मैंने कई जगह देख लिया इसको, कुछ भाई कॉन्टैक्ट है इसका। चलो वो देखूंगा मैं अभी। पहले गाइस मेरे को एक वायर देखना, वायर बताइए किधर आपको दिखे तो बताओ यार, ये इसका क्या भाई, किसको कॉल करना है? चलो पहले गाइस हम वायर देखते हैं किधर चला गया यार, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा, इधर से उधर जाए। फाइनली गाइस वायर हमको मिल चुका है, इसका यूज़ करेंगे गाइस। हमें इसे लैंप में लगाना है भाई, इसको ऑन करना पड़ेगा फिर। चलो गाइस लैंप में लगा दिया है, यहाँ पे हम बल्ब लगाएंगे, ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे आगे चल के। यार कितना मिस्ट्री है भाई, क्या क्या है इसमें गाइस। तभी तो हमने बोला आपको कि एक हॉरर गेम है भाई, इसमें कुछ भी हो जाता है और इतना डरावना, ऊपर से आत्मा वो सब में यार, इतना पासवर्ड वगैरह लगा रखा, पता नहीं आत्मा कितनी यार खतरनाक एडवांस टाइप की थी एकदम। ये भाई चलो ऑन हो चुका है, अभी मेरे को गाइस 2 बल्ब की ज़रूरत है, वो मुझे आगे मिल सकते हैं, ग्लू, काफ़ी कुछ देखना है यार इस घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ यार। मैं गाइस केस को सॉल्व करने के लिए आया था, लेकिन मैं यहाँ पे फंस गया, मैं बाहर नहीं जा सकता। इसको ऑन करके देखते हैं भाई, मेरे को पासवर्ड इसका पता था, कहीं पर देखा था मैंने, तो मैं इसको लगा के देखता हूँ। फाइनली गाइस ये ओपन हो चुका, बल्ब मिला, और ये वाला पासवर्ड जो गाइस ये बन वाले पे ये पड़ेगा, आपको अभी बताएंगे कहाँ जाएंगे। ये सेकंड वाला, थर्ड वाला है भाई, ये सेकंड वाले पे, अच्छा ये वाले निशान डालने हैं गाइस। पासवर्ड देखो एकदम भयानक, और चलते हैं गाइस, अब हम चलेंगे इसको ओपन करेंगे। नहीं नहीं ये नहीं ओपन होगा, ये 4 बार वाला है यार। फाइनली गाइस हम अपनी डायरी को ओपन कर सकते हैं, जो कि भाई बहुत खतरनाक है निशान ये वाला। चलो ठीक हो गया, सेकंड वाला भी गाइस हमने देखा था, वो थोड़ा पानी पानी टाइप का था। चलो ये भी हो चुका है थर्ड वाला। फाइनली गाइस ये बुक हमारी, टैडी भाई, टैडी कौन रखता है, रॉबर्ट। अबे यार गाइस ये तो हमारे पासवर्ड मिल चुके हैं, ये लैंप वाला पासवर्ड भी मिल गया, और ये ड्रॉअर जो है भाई उसका भी हमें पासवर्ड मिल चुका है, तो हम इसको ट्राई कर दें। अच्छा ये राउंड ये वो, चलो कर लेंगे इसको। ये वाला नहीं यार, ये वाला पासवर्ड भी मैंने कहीं देखा यार। चलो पीछे जाते हैं गाइस, मैंने पीछे देखा, यहाँ पे तो नहीं, इसको ट्राई करते हैं शायद, मेरे को लगता भाई ये वाला नहीं, ये नहीं है यार, ये भी नहीं है, किधर चला गया, नज़र ही नहीं आ रहा भाई, पता नहीं यार किधर चला गया ये वाला पासवर्ड मेरे को। ये चलो लैंप हमारा ऑन हो चुका है, लेकिन भाई कुछ हुआ क्यों नहीं, ये क्या पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ, रोबोट वाला पासवर्ड किधर है यार, मेरे को दिख नहीं रहा। ये लैंप भाई, ये वाले बल्ब तो मैंने ठीक लगाए थे, लेकिन अच्छा पहले गाइस मेरे को दूसरा वाला लैंप ऑन करना है, उसके बाद यहाँ आना पड़ेगा। चलो चलते हैं, ये वाला पासवर्ड गाइस मेरे पास जो था वो वहाँ है, दिख गया मुझे, उसे अभी करूँगा। पहले मैं वहाँ जाता हूँ लैंप के पास, किधर गायब हो गया दूसरा वाला जो ऊपर लगा पड़ा था यार, कहाँ चला गया यार। मैं एक तो गाइस ये भूल भूले टाइप है, मैं सब भूल जाता हूँ, यहाँ पे लगना था, यहाँ तो भाई एक बल्ब का काम है, बीच में एक बल्ब लगेगा बस, ये ऑन हो गया भाई, एक बल्ब का काम है, मैंने 2 लगा दिए तो एक छुटाना पड़ेगा। चलो भाई उसको छुटाता हूँ, लेकिन मुझे उससे पहले ये वाला पासवर्ड, अच्छा चलो इसको छुटाना पड़ेगा वहाँ से भाई, यहाँ लगाते हैं बल्ब। यार ये बल्ब का ये सीन है यार, कुछ ऐसे मिस्ट्री वाले सीन करता है, जैसा ये भूतिया घर भाई कर रहा है मेरे साथ। एक बल्ब यहाँ लगा दिया, चलो कुछ होने वाला भाई, भाई कुछ हो सकता। और फिर ये क्या गाइस, ट्रैप ना पले, ये तो बहुत ही ज़्यादा, ये भाई चुड़ैल बोल, ओबे यार शिट गाइस, ये तो वही लड़की है जो मर चुकी थी। ये क्या, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई भाई पैरेलल वर्ल्ड है, या फिर कुछ ऐसा ऑन हो चुका है जो कि दूसरी दुनिया के लोग मरे हुए यहाँ पे आ रहे हैं भाई। ये तो कुछ भाई फिल्मी सीन है एकदम, लेकिन मुझे टैडी चाहिए भाई, टैडी कहाँ, एक पेंसिल चाहिए, एक टैडी चाहिए। उसके लिए गाइस मेरे पास पासवर्ड है, मुझे कुछ नहीं करना, बस मेरे को एक ये वाली ड्रॉ, नहीं 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 ये नहीं भाई, दूसरा वाला था, मैंने अभी देखा था चिमनी वाला, ये वाला ओपन करना भाई, मेरे को ये पता था,
ये वाला पासवर्ड है भाई, चलो डालते हैं गाइस रोबोट वाला, इसको तो ऑन ही कर देंगे। फाइनली गाइस ये ऑन होने वाला, और ये ऑन हो गया भाई। इसमें क्या पेंसिल और कुछ टुकड़े मिले हमें, एक भाई क्या चारकोल मिला। तो गाइस हमने ये उठा लिया, एमडी वहाँ से इसको कर लेगा भाई आगे चलते ही। पेंसिल से यहाँ पर कुछ ड्रॉ करते हैं। यह क्या भाई पासवर्ड, बढ़िया गाइस हमको एक पासवर्ड और मिल चुका है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया भाई। चलो इसको करते हैं भाई, पासवर्ड मिल चुका है हमारे पास। और ये दीदी को हमें भाई खिलौना देना है, टैडी जो कि भाई दीदी मांग रही है हमको, कुछ गिफ्ट करेंगी फिर। चलो गाइस यहाँ पर डालते हैं ये पासवर्ड, डाल देते हैं गाइस ये जैसा जैसा पासवर्ड भाई ऐसा डालना पड़ेगा, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। चलो डालते हैं भाई इसको, डालना पड़ेगा नहीं तो भाई टैडी चाहिए, भूत वो आत्मा जो है मेरे को मार भी सकती है। मैंने बोला था कि भाई यहाँ पे कुछ हो चुका भाई, ऑन क्यों नहीं हो रहा। हो जा यार, अरे हो जा भाई, अब ओपन ना हो रहा। फाइनली गाइस ये ओपन हो चुका है, इसमें हमें बुक मिली, एक कार्ड मिला भाई। कार्ड तो मैंने नहीं, कार्ड नहीं भाई, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसा भाई किसी का लॉक हो जो भी। चलो ग्लू लगा के इसको लगाते हैं। एक पीस और कम रह गया गाइस, गाइस एक पीस और लेना पड़ेगा। चलो एक पीस मिल जाएगा कहीं आगे, और देखने एक पासवर्ड और है मेरे पास। इधर साइड चलते हैं भाई, यार ये कितना खतरनाक होता जा रहा है गाइस। इसके लिए टैडी लाना है यार, तेरी टैडी मांग रही भाई, क्या करोगी टैडी का, तुम तो मर गए। चलो कोई नहीं यार, टैडी दे देते हैं भाई, मरते हुए मरे हुए लोग की कुछ तो भाई ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। चलो गाइस ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे हम दीदी की। लेकिन यार ये फिश वाला नहीं, यहाँ पे हाँ ये ओपन होगा टैडी। फाइनली गाइस हमको टैडी मिल चुका है, और टैडी मिलने के बाद दीदी भाई हमको कुछ पता, ये फिश भी मैंने देखी कहीं, ये भी भाई पासवर्ड है किसी का भाई। टैडी दीदी को दे देते हैं, चलो लो भाई सिस्टर लो, ये लो टैडी लो, आप खुश रहो। लेकिन मुझे क्या देगी इस टैडी के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कुछ बताएगी मुझे पासवर्ड। ये नंबर है, अरे ये नंबर तो गाइस मेरे को लगता है कि ये काम आने वाला है। वहाँ पे एक रिसीवर रखा है, तो मैं कॉल करनी पड़ेगी। 2 5 7 0 1 4, चलो ये कॉल कर देते हैं। कॉल करने के बाद गाइस एक पासवर्ड और ऑन होगा, वो पासवर्ड क्या है, ये फिस वाला सीन है। चलो फिस वाला वो मैंने, ये वाला ऑन होगा भाई। गाइस हमको ये ऑन करना है क्योंकि हमारे पास पासवर्ड तो मिल चुका है। इसका पासवर्ड जो था गाइस वो ये था, हमें पहले कॉल करनी थी, फिर यहाँ पे एक पासवर्ड आने वाला है जिससे कि मैं इसे ओपन करने वाला हूँ। तो ये ओपन हो जाएगा गाइस। आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि यार जितने भी मिस्ट्री गेम होते हैं उनका वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो सो गाइस आप वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे चलते हैं, आगे और भी भयानक भयानक भाई होने वाले एक सीन। ये भाई चलो हमें ये तो सामान मिल गया भाई। जितने भी गाइस मिस्ट्री गेम होते हैं हमें छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वही भाई हमको निकालने में एस्केप करने में हेल्प करते हैं। यहाँ से भाई हमको ये मिला, चलो ले लेते हैं गाइस। ये वाले जो हमारे पास दो सीन है, ये हमें कहाँ पे काम आने वाले हैं बताइए। ये दीवार पर एक घड़ी लगी हुई है, तो गाइस उस घड़ी में ये काम आने वाले हैं, जो कि भाई उसे लगाने के बाद हमको कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है हमको, एक की मिलने वाली है, एक की भाई, हम एक की है जो हमें वहाँ से मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए गाइस हमें एक राइट टाइम पे उसको सेट करना पड़ेगा, एकदम टाइम बॉम्ब की तरह। चलो गाइस ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई कर लेंगे क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक है। तो सो गाइस इसको करते हैं ये भाई, चलो लगाते हैं भाई। टाइमर सेट करना पड़ेगा भाई, अगर टाइमर गाइस सेट नहीं किया तो ये ओपन नहीं होगा। ये काफ़ी खतरनाक, बुक में देखने भाई, बुक में तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, आगे क्या होगा यार, ये क्या होता चला जा रहा है गाइस। मेरा तो सर चकरा रहा क्योंकि यार इतना खतरनाक भाई, मैं एकदम थक चुका हूँ यहाँ पे आके। मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी यार, मैंने सोचा था कि मैं दोनों भाई बहन के इनकी मदद करूँगा, उनकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। लेकिन यार यहाँ तो मेरी शांति भंग हो चुकी है क्योंकि मेरा सर चकरा रहा, ऊपर से इतनी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो मैं डरा हुआ हूँ। क्योंकि यार एक भूतिया घर में अकेले आना बहुत ही ज़्यादा डरावना पल रहता है। आपको अगर आपके साथ हुआ तो गाइस कमेंट में बताइए ऐसा कुछ भी। आगे चलते हैं गाइस, हमारे चैनल पर बने रहिए, हम ऐसी भूतिया वीडियो लेकर आएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी वीडियो रहने वाली है। ये उल्लू भैया, ओ वे फाइनली गाइस हमको की दे दी है भैया जी ने। और ये फिर भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या ओपन होगा इससे गाइस बताइए हमको।
आगे मैंने कुछ देखा था जो कि एक की से ओपन होने वाला, लेकिन यार वो मेरे को दिख नहीं रहा क्या ओपन होगा। ये तो पासवर्ड से है, इसका पासवर्ड तो गाइस फेस वाला पासवर्ड है, उसके लिए मुझे कुछ लेना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं। भाई वो मेरे को दिख क्यों नहीं रहा? कौन से ड्रॉअर थी जहाँ पे यार की लगनी है, वो मैं भूल चुका हूँ, मुझे दिख नहीं रही। ये वाली है। फाइनली गाइस हमको मिल चुकी है, लेकिन हम छोड़ आए। फिर से देखेंगे यार, चलते हैं भाई, इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर क्या होगा? ऐसा यहाँ पे भी कुछ नहीं है यार। ये क्या भाई, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। गाइस आपको कुछ दिख रहा? मेरे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। क्या पे यहाँ पे तो भाई फिश का, ओ शिट गाइस, मैंने यहाँ पे फिश का चारा डाला तो वो भी मेरे को एक पासवर्ड बता रही है। भाई ये देखा, सीरियल वाइज लगा पड़ा है 1 2 3 4, वहीं से मुझे फिश सेलेक्ट करनी है। और ये पासवर्ड जो है गाइस साहब, मैंने कहीं देखा है वो डालना है। वो मैंने कहाँ देखा है गाइस साहब बताइए, वो मैं अभी चलता हूँ। ये वाला पासवर्ड गाइस मैंने देख रखा है, ऐसे ऐसे निशान है जो कि गाइस यहाँ पे है। भाई अभी दिखाता हूँ, ये वाला है गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम पासवर्ड डालने वाले हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे भाई कुछ हमें मिस्ट्री बॉक्स है, तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है, ऐसा मिलने वाला है जो कि आगे हमारी हेल्प करेगा, एस्केप करने में हेल्प करेगा, और दो भाई बहन को मिलाने में भाई, जो कि आत्मा। मेरे को यार ऐसा लगता है कि भाई ये दो मर्डर जो हुए थे ना, ये किसी ने भूतिया काम के लिए मर्डर किए। वो ऐसा गाइस आजकल ट्रेंड चल रहा है कि भाई आत्माओं को वश में करने के बाद कुछ लोगों को ऐसे भाई कर लेते हैं, ज़ोंबी टाइप बना लेते हैं भाई, उनसे कुछ कराते हैं। यहाँ इस बॉक्स में गाइस काफ़ी सामान मिला है मेरे को, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये भाई यहाँ पे कुछ पैटर्न, ऊपर ये हाथ किसका आया गाइस? ये तो वही लड़का है जो मर चुका है। ये मेरे को क्या बता रहा भाई? ये मेरे को कुछ दे रहा है भाई, आगे की गाइडलाइन बता रहा है। ये मुझे बोल रहा है कुछ कि इसको क्या निशारा कर रहा भाई, इसने कुछ बनाया गाइस? ये मैंने तो यहाँ देखा भाई, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इसको। चलो मैं इसको लगा देता हूँ। और ये जो पैटर्न है गाइस, यहाँ पे पैटर्न बनाया इस बंदे ने, मैं यहाँ पे ये वाला पैटर्न बनाऊँगा तो ये ओपन होगा। यहाँ ओपन होने के बाद मुझे कुछ मिलने वाला है, कुछ ऐसा मिलने वाला है गाइस जो मेरी हेल्प करेगा, जो भाई यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करेगा। तो सो देखते हैं गाइस क्या है भाई, सबको लगाते हैं भाई, जैसा भाई जी बोल लेते। तो ये मैंने गाइस लगा लिया है, एक रह चुका, तो ये ओपन हुआ भाई। यहाँ पे हमें रील्स मिली कुछ। अब ये बताइए ये कहाँ काम आएगी गाइस? मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और इसको ऑन करता हूँ। भाई देखा, ये प्रोजेक्टर में लगने वाला था भाई, मैंने सोचा ही नहीं था। ये क्या एड्रेस है भाई? अबे ये टैन है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ओह शिट गाइस, मुझे यहाँ जाना पड़ेगा शायद, ऐसा तो नहीं? ये मुझे कुछ बता सकते हैं भाई? ड्रॉ करता हूँ मैप, कुछ है भाई? मुझे ऐसा लगता है गाइस इन बंदों की, जो जो मेरे सामने बंदे आएंगे ना, उनकी भी जान जान वान को खतरा है, क्योंकि भाई बहुत ही हसीन है। तो मैंने ये भाई लेंस हाउस में जाएंगे हम, चलो इसको मिलते हैं। लेकिन डैन यहाँ पे क्या कर रहा है यार? चलो कोई नहीं, कर रहा होगा भाई, फ्रेंड होगा कुछ भी। चलो सो चलते हैं यहाँ पे। एक्चुअली गाइस ये जो है थोड़ा भाई डरावना पल रहने वाला है, क्योंकि यार यहाँ पे ऐसी मिस्ट्री हो रही है, इतनी डरावनी डरावनी, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है, और मैं ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं तो क्या बताऊँ गाइस। चलो मैं इसके साथ आ गया हूँ, कुछ सवाल ववाल करूँगा इससे जो कि यार कुछ बताएगा मुझे। लेकिन यार ये तो भाई मुझे कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रहा, घर से भगा रहा। तो कोई नहीं भाई, मैं कुछ करता हूँ। मुझे लेटर मिला था, इससे लेटर दूंगा तो शायद कुछ हो जाए भाई। चलो लेटर दिखाता हूँ, काम बन सकता है शायद। ये क्या भाई, ये तो कहने लगा कि अंदर आओ। चलो भाई अब अंदर जाने के बाद ये कुछ बताएगा मुझे, क्योंकि भाई ये तो कुछ राज जानता है जो कि मुझे बताएगा। तो भाई ये मुझे कुछ बताने वाला है और कुछ देने वाला है, कुछ ऐसा देने वाला है गाइस जो मेरे काम आएगा। क्या देने वाला है? इस वॉज नॉट योर फॉल्ट। ओ पे भाई ये क्या, तो भाई क्या है ऐसा? तो मुझे क्या देगा भाई, कुछ दे ऐसा जो मेरे काम आए। ओ गाइस इसने तो मुझे एक पासवर्ड दिया। अब ये बताइए ये वाला पासवर्ड कहाँ पे लगेगा गाइस? एक डोर पे लगने वाला है पासवर्ड, जो कि मुझे जाना पड़ेगा मर्डर हाउस में, जो जहाँ पे मर्डर हुआ था भाई, वहाँ जाता हूँ। और ये पासवर्ड गाइस मैंने देख रखा है, तो मुझे एकदम याद आ गया ये वाला। देखो मैंने बताया था ना कि डोर पर लगेगा ये, तो चलो मैं इसको लगाता हूँ भाई। फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चलो ट्राई करते हैं गाइस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये ओपन हो गया गाइस।
ये ओपन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे भी लोचा है भाई। ये कपड़े वपड़े इधर करते हैं, यहाँ पे क्या सीन है गाइस? बॉक्स है एक बॉक्स, वो ये भैया जी हैं, बॉक्स के अंदर भी भाई कुछ है। ये भी काम आने वाला गाइस, ये बॉटल्स जो हैं ये मेरे काम आने वाली हैं, मुझे साइज से रखना पड़ेगा सब। जिसमें गाइस सबसे कम भरा हुआ है वो सबसे पहले आने वाली है, उसी हिसाब से मुझे अकॉर्डिंग टू मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब छोटे से बड़े तक जो भी हो, जैसा भी आपने काफ़ी भैया सॉल्व किए होंगे मैथ्स के क्वेश्चन, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर उसी हिसाब से रखना है गाइस मुझे। तो भाई चलते हैं, इसको रखते हैं। ये कौन सा पजल है यार भाई? चलो भाई ट्राई करते हैं, कुछ तो होने वाला है। ये साइज थोड़ा ये सही नहीं रहा, ये वाला साइज इधर आएगा गाइस। तो करते हैं भाई, ये ओपन हुआ पे इसमें क्या, इसमें भी एक पासवर्ड गाइस। ये पासवर्ड तो मैंने देख रखा है कहीं, ये बोतल वाला गाइस, ये पासवर्ड जो है मैं वहाँ डालने वाला हूँ। बॉक्स में सारा डाल दूंगा लेकिन लास्ट वाला दिखाऊंगा। तो भाई ट्राई करते हैं गाइस, हमने सारा डाल दिया, अब लास्ट वाला आपको दिखाना है। तो मैं इसको करता हूँ भाई, काफ़ी टाइम लगा, और ये ओपन करता हूँ। इसमें क्या मिला? अबे शिट गाइस, इससे मैं की निकालूंगा जो कि यहाँ पे पड़ी थी। चलो की निकाल ली, की निकालने के बाद ये ड्रॉर ओपन हो गया भाई। ड्रॉर में क्या है? एक लाइट है, एक भाई डायरी फिर मिली है। डायरी में क्या है ऐसा? ये भाई निशान है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अबे बाबा, ये वाले निशान तो गाइस मैंने कहीं देख रखे हैं। वो ये वाला इसका पासवर्ड बता रहे हैं भाई। चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ, इधर करता हूँ। ये वाले निशान भाई, ये दो भाई, अच्छा ये वाला इधर आएगा। इसकी दो आंखें हैं ना भाई, ये फर्स्ट वाला है ये। जैसे जैसे गाइस यहाँ पे बने हुए हैं वैसे ही मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। एक लॉकर है जो कि भाई उसके अंदर कुछ निकल सकता है, तो यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ भाई। ये वाले ये आ जाएंगे, अब देखना पड़ेगा फिर से कौन सा वाला करना है मैप डायरी में। अच्छा इसके नीचे भी कुछ है, फ्लैश लाइट से देखता हूँ यार, कुछ तो है। अच्छा ये नीचे वाले गाइस, सबसे नीचे वाला है भाई, इसको करना पड़ेगा। फ्लैश लाइट से देख लिया है, मैंने बताया था ना कि भाई एस्केपिंग गेम में कुछ भी चीज़ मिस नहीं करना, छोटे से छोटी चीज़ हमारे काम आ सकती है जो कि हमारी निकलने में हेल्प कर सकती है। तो भाई देखभाल कर करना चाहिए सब कुछ, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ ही आपको बाहर निकाल सकती है, ओके सॉल्व करा सकती है। आप एक अच्छे डिटेक्टिव तभी बन पाएंगे जब तक कि आप एक छोटे से छोटी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। अगर आप छोटी से चीज़ को मिस करेंगे, उस सबूत को, एविडेंस को, तो गाइस आप एक अच्छे डिटेक्टिव नहीं बन सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप जो है कुछ भी मिस मत करो, सब देखते रहना। यहाँ पर लॉकेट मिला और एक भाई हमें डिस्क मिली है, हार्ड ड्राइव मिली है, सॉरी। आगे चलते हैं, ये हार्ड ड्राइव कहाँ काम आने वाली है भाई? ये भाई फिर से मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा है भाई, यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने देखा था कि हार्ड ड्राइव लग सकती है। चलो गाइस मैं इसको ट्राई करता हूँ, हार्ड ड्राइव को यहाँ पे। और ये भाई मुझे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह हैं इसमें। चलो ये पिक्स यहाँ पे क्या कर दिया है ना, क्या बे ये क्या चल रहा भाई? चलो मैं मैप में ड्रॉ करता हूँ उसका, उसके घर का रास्ता गाइस हमें मिल चुका है, जो कि हम उसके घर जाने वाले हैं। उसके घर जाने के बाद हम उससे पूछताछ करेंगे, वो हमको बताएगी भाई यही वाला एड्रेस था। तो चलो हम आ चुके, लेकिन लॉकेट पहने हुए, ये लॉकेट तो गाइस मेरे पास है, मुझे भगा रही है यार ये भी। ये कैसे इंसान है यार, ये सब मुझे भगा रहे हैं, कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं इसको लॉकेट दिखाऊंगा तो शायद ये मेरे को नहीं जाने दे। मैं दिखाता हूँ इसको लॉकेट, चलो। ये गाइस मैंने इसको लॉकेट दिखाया, लेकिन ये तो क्या इसका ही पीस है भाई। ये टुकड़ा जुड़ने के बाद भाई कुछ बनता है, ये मुझे देगी, ये मेरी हेल्प करेगा भाई, ये मेरी हेल्प करेगा गाइस आगे चलने में हेल्प। अबे ये उल्लू का निशान कैसा यार? जितने भी गाइस यहाँ पे मर्डर हुए हैं वो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैंने ये उल्लू जरूर देखा है। तो ये मेरे को भाई कब्रिस्तान का रास्ता दिखा रही भाई, कितना डरावना हो रहा है। गाइस हम एक कब्र में जाने वाले हैं, वहाँ पे भाई एक किसी की कब्र है, वहाँ जाएंगे हम। कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया है इसने मुझे, तो मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे कुछ भाई मुझे सॉल्व करना पड़ेगा यार। ये कितना भाई बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है, इतना मिस्ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा कहीं भी यार, जितना कि यहाँ पे भरा पड़ा है एकदम। तो मैं चलता हूँ गाइस, ये मुझे कुछ और भी देने वाली है, तो सो मैं इससे कुछ और भी लेता हूँ।
मैंने यार मिस कर दिया, ये शायद मुझे कुछ दे सकती थी। चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। मैं यहाँ कब्रिस्तान में डरा हुआ हूँ यार, गाइस यहाँ तो मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। क्या भाई, इस वाली कब्र में जाना पड़ेगा? और भी यहाँ पे जाने के बाद क्या भाई मैं, ओ रे बाबा, ये बंदा भी मर गया क्या? चलो भाई, इसकी कब्र में यहाँ पे तो और भी ज़्यादा लोचा है। चलो मैं लैंप रखता हूँ, लैंप रखने के बाद कुछ गाइस होने वाला है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे लैंप रखा और यहाँ पे भाई देखा, ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। चलो भाई, ये वाली गाइस हमने मिस्ट्री सॉल्व कर दी है, लेकिन यहाँ भी कुछ लोचा है इस कब्र को खोलने के लिए। भाई पासवर्ड की ज़रूरत है, जो कि पासवर्ड मेरे पास नहीं है। ये क्या, ये रिंग कैसी है यार? इस पे निशान, ये मैंने कहीं देखा था यार। गाइस ये वाला निशान तो मैंने शायद कहीं देख रखा है। चलो मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ पूछताछ करनी पड़ेगी। या भाई वहाँ पे हो कुछ, यहाँ का भाई मकबरा खाली है, कब्र कौन ले गया निकाल के यार? मैंने बोला था ना गाइस, यहाँ पे मुर्दों को भी निकाल रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है भाई, कुछ अजीब चल रहा है, वो आगे आपको पता चलेगा लास्ट में कि क्या अजीब है ऐसा। यार लोग मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ रहे आजकल, कितना बुरा ज़माना आ गया भाई। तो मैं चलता हूँ गाइस पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद मुझे कुछ भाई डॉक्यूमेंट में मिल सकता है इसका राज। ये कहाँ राज मिलेगा भाई? मुझे कुछ मिला है गाइस, मैं उसको बनाता हूँ, कुछ मिला है। ये भाई मुझे कुछ मिला है, मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा स्टोर पे। गाइस एक स्टोर है जो कि एक बहुत ही एंटिक सामान रखता है और उसे हर चीज़ की नॉलेज है भाई, वो एक लड़की है। तो मैं आ चुका हूँ इसके पास भाई। ये भी मेरे को एक ऐसे लगती है, बहुत ही पुराने टाइप की लड़की है भाई। ये मुझे कुछ देने वाली है, एक डॉल। ये डॉल कैसी है यार? ये कब काम आएगी मेरे? कहीं तो काम आ सकती है। और ये निशान के बारे में भी इसने मुझे कुछ बताया है। तो सो गाइज, मैं अब जाने वाला हूँ कब्र में। कब्र में जाने के बाद मैं यहाँ कुछ करूँगा, लेकिन इसने मुझे कुछ बताया नहीं। ये मुझे कुछ और भी बताने वाली थी गाइज, वो मेरे को इसने नहीं बताया। फिर से मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, ये कुछ बताना भूल गई। ये दीदी कुछ बताएंगी क्या? दीदी ने भी कुछ नहीं बताया, तो कौन बताएगा भाई? ये स्टोर वाली बता सकती है गाइस, मुझे ये स्टोर वाली बता सकती है। स्टोर वाली से पूछना पड़ेगा गाइस, यही पूछताछ करनी पड़ेगी। दोबारा से मुझे कुछ बताएगी, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। इसने मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया जो मुझे बताना था। सो मैं वहाँ पहुँचता तो कुछ सॉल्व हो सकती थी मिस्ट्री, ये भूल चुकी थी गाइस। तो मैं फिर से इसके पास आया हूँ, ये मुझे दोबारा से कुछ ऐसा बताएगी जो कि मेरे काम आने वाला है इस केस को सॉल्व करने के लिए। इसने मुझे, ओ ये बंदा ये निशान बनाता था, लेकिन ये इस टाइम गाइस एक मेंटल हॉस्पिटल में है। तो मैं एक मेंटल हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, मेरे काम आ गया गाइस। मैंने बताया था ना, ये मेरे काम आएगी, मुझे कुछ ऐसा बताएगी जो कि मेरे काम आएगा। गाइस हम मेंटल हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ से पूछताछ करेंगे, वो मुझे कुछ बताएगा। तो चलते हैं गाइस, ये मेंटल हॉस्पिटल में क्या कर रहा है बंदा? इससे ज़रूर कुछ ऐसा मालूम है जो कि भाई किसी को नहीं मालूम, और या कुछ इसने ऐसा देखा हो। दीदी बता दो यार, बताने मना कर रही है। ये मुझे गाइस डरा रही है, कह रही है भाई तो उसके पास मत जाना, एंड मास्क वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इतना ख़तरनाक है, वो तुझे मार सकता है। कोई नहीं यार, कितना भी खतरनाक हो मैं उससे मिलूंगा, क्योंकि केस सॉल्व करना है यार मुझे। और वैसे भी यार इतना भूत भूत मैं देख चुका हूँ, तो मुझे डर भी कम लगने लगा है अब। तो मैं जाता हूँ उसके पास यार, वो मुझे कुछ बताए। सो मैं इसके पास आया हूँ, ये क्या बताएगा मुझे भाई? ये तो पागल हो चुका है, इसकी दीवार व्यवहार पे देखना पड़ेगा क्या लिखा है दीवार पर। अबे ये तो निशान गाइस जो कब्र पर बने हैं, वही निशान इसने यहाँ पे बना रखे हैं। ये क्या बताने वाला है भाई, क्या करना चाहता है ये? कुछ गाइस मुझे ऐसा बताने वाला है जैसे कि वो कब्र ओपन हो। तो भाई इसने मुझे बता भी दिया कि पहले भाई सूरज निकलता है, स्नेल सबसे लास्ट में जाती है। ओ भाई चलो मैं इसको बनाता हूँ भाई। तो इसे ओपन करते हैं भाई, ये तो चकराने वाला है। सबसे पहले सबसे लास्ट में स्नेल, सूरज पहले निकलता है, चलो स्नेल।
सेकंड वाला जो आएगा, थर्ड वाला जो आएगा भाई, वो उसमें आने वाला है भयानक सा कुछ तूफान वगैरह, तो चलो ये, लेकिन स्नेल ये पानी वानी ओपन हो गई गाइस, मिस्ट्री सॉल्व हो गई और ये ओपन भी हो चुकी है कब्र के अंदर जाने में। तो यार मुझे डर लग रहा है भाई, लेकिन जाना पड़ेगा भाई, केस सॉल्व करना जाना पड़ेगा। यहाँ पे सांप है, अजीब अजीब से कुछ हो रखे हैं भाई, ये क्या मसला है भाई, ये तोते वोते क्या हैं, ये तो ऐसा लग रहा है मिस्र की भाई कुछ, मिस्र का क्या कनेक्शन आया भाई यहाँ पे, मिस्र के लोग आ गए होंगे भाई, कुछ होगा क्योंकि मकबरे वही बनाते थे इस टाइप के। चलो ये भी यहाँ पे गाइस, हमें क्या करना है, नीचे से मूर्ति को उठाना है, ऊपर रखना है, ऊपर रखने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो काम आए। ये नहीं भाई, ये सब इस पे जाएगा, दूसरे वाले पे जाएगा, ये छोटे पे है, बड़े पे ये आएगा, हाथी जी सबसे बड़े पे जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वजनी में होता है, और ये सांड भैया इस पे जाएंगे भैया। और ये भी भाई देखा, मुझे हड्डी मिली है, एक बोतल मिली है, ये मक्खी किधर जा रही है, मक्खी का गाइस हम पीछा करेंगे, मक्खी नहीं है मधुमक्खी है, यहाँ से ये फूल से जूस लेती है, ये क्या ले रही है भाई, पोलन ग्रेन ले रही है क्या। ओ गाइस मैंने ट्री देखा था एक, वहाँ पे ये कुछ करने वाली है, पोलन ग्रेन को लेकर जा रही है ये। मक्खियाँ जो होती हैं गाइस, अगर फूल पे बैठती हैं तो जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, तो वो इन पे चिपक जाते हैं क्योंकि वो स्टिकी नेचर के होते हैं, तो ये वहाँ जा रही है भाई, ये कुछ करेगी। ये क्या भाई, देखा इसने जादू दिखाया और ये पेड़ पे फूल आने वाले लगे गाइस, हमें सारे फूल तोड़ने पड़ेंगे एकदम से। ब्लू ले लिया, और ये भाई येलो भी लेना था मुझे, येलो भी ले लिया, ये सारा पेड़ गायब। और ये मशरूम देखिए, मुझे मशरूम भी काम आने वाली है मेरे। ये मिस्ट्री कुछ घुमावदार है भाई, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। और ये भाई अंदर, अरे फिर से बाहर आ गए। अब मैं गाइस यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, ये ऊपर जो पेंटिंग है इसको सॉल्व करूँगा, ये पेंटिंग काफ़ी खतरनाक है, तो इसे करते हैं भाई। पेंटिंग गाइस हम सॉल्व करने वाले हैं, तो ये भाई कैसे होगी, ये हो गई गाइस, हमने तो इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन अब ये भाई की मिली कि अच्छा गाइस, हम जो है ना भाई बीन बजाएंगे तो ये सांप जो है ना ये सो जाएगा और हमें की दे देगा, अगर भाई हम ऐसा हाथ डालते तो ये हमें मार सकता था। तो भाई हमको की मिल चुकी है, की से ओपन होने वाला ये वाला भाई बॉक्स ओपन होगा, अरे ये नहीं भाई, बॉक्स ओपन करना है हमें। चलो पहले गाइस हमें फूल का इनका कुछ बनाना है, बोतल में इकट्ठा करना है, बोतल हमारे पास कितनी, 1, 2, 2 बोतल है यार, अभी अभी हमें पहले यार वही करना पड़ेगा, वो वाला बॉक्स था उसको ओपन करना पड़ेगा यार। सो गाइस हम उसे, अबे ये क्या हो, ये तो भाई ये पंटर लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी ये बंदा तो उसके कब्र से निकला हुआ है, ये भाई गजब, ये दो भाई बहन और ये तीसरा वाला बंदा जो था गाइस, ये कब्र वाला बंदा, ये भाई क्या चल रहा है यहाँ पे गाइस। मैंने बोला था ना कि ये भूतिया सीन चलने वाला है, तो ये भूतिया सीन चल रहा है कुछ। तो भाई हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है भाई उसको ओपन करना बॉक्स को, बॉक्स गाइस ओपन करने के बाद हमें कुछ आगे जाना पड़ेगा। अरे भाई बॉक्स ओपन नहीं होगा, यहाँ पे हाथ लगाना था यार, मैं भूल गया, वो की नहीं थी यार, यहाँ पे लगाना था, तभी तो मैं बोला कि भाई क्या करना है, ये मुझे अब कुछ देने वाला है भाई, लेकिन इसने क्या दिया, इसने तो यार मेरे को कुछ भी नहीं दिया, की देने वाला था, पासवर्ड दे दिया, चलो पासवर्ड तो मुझे पता है, ये पासवर्ड मैं डालता हूँ, मैंने अभी देखा था पीछे। सो गाइस ये पासवर्ड हमारे पास आ गया था, तो हमने ये ओपन कर लिया, अब फिर ये वाला बॉक्स मिला देंगे हम। सबसे पहले गाइस हमें बनाना है यहाँ पे इसका फूल को डालना है, और इसका भाई इकट्ठा करना है जूस को एक बोतल में, ये जूस हमारे काम आने वाला है, एक मिस्ट्री सॉल्व होगी आगे इस जूस से। तीनों को गाइस हम इकट्ठा कर लेंगे, बोतल में भर लेंगे, ब्लू वाले को भी, अब भाई येलो रह गया, येलो वाले को भी गाइस हम भर लेंगे बोतल में। यार ये कितना गजब होता जा रहा है भाई, देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है, आगे और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है गाइस, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस गेम का। तो हम आगे यहाँ आ चुके हैं, और ये वाला भी बोतल में भर लिया, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाने के बाद यहाँ पे पानी नहीं आ रहा भाई अभी, तो हमें गाइस क्या करना है, हमें करना है
हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें एक बॉक्स को ओपन करना है, एक मिस्ट्री सॉल्व करनी है। यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा अभी। अभी गाइस यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, यहाँ पे पानी आएगा तभी हमारे ये कलरफुल बोतल जो है तब काम करेंगे। उसके लिए हमें भाई यहाँ पे मिस्ट्री सॉल्व करनी है, जो कि ये वाली मिस्ट्री होने वाली है भाई। कैसे होगी कैसे होगी समझ ही नहीं आ रहा, ये वाली सॉल्व करनी है भाई। चलो करते हैं गाइस, ये वाली मिस्ट्री हम सॉल्व कर देंगे। एक हमारे पास ये लेटर है और हमने दीवार पे देखा था ये निशान गाइस, अकॉर्डिंग टू ये कलर जो निशान है उसी तरह से वो सर्कल जो है वो हमें लगाने हैं उस सर्कल में इसमें। तो हम लगाते हैं गाइस सारे, ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ मिला, ये गाइस हमें मिल चुका है। इसके मिलने के बाद यहाँ पानी आने लगा, पानी आने के बाद यहाँ से हमें एक सर्कल और मिलेगा। इसको लगाते थे एक सर्कल को। चलो भाई एक की मिली हमें, एक लगाने से एक की मिल गई गाइस। की बाद में ले लेंगे, उससे पहले हमें जो करना है भाई वो पानी, देखा था आपने, पानी में भाई कलर करने, कलर डालने भाई। कलर सबसे पहले डालने हैं हमें शायद रेड, ये जैसे जैसे पोर्ट है ना भाई उसी हिसाब से जो बना पड़ा है उस पर तस्वीर, जैसे किसी पे यार ये बना था ये जो भी भाई ये बर्ड है, तो बर्ड में हमें ब्लू कलर डालना है। तो भाई बर्ड का जो चोंच है भाई इसमें हमने ब्लू डाल दिया, और यहाँ पे एक शेर टाइप का बना पड़ा है तो भाई शेर जो है बीच वाला ही, तो इसमें रेड डालेंगे हम। और ये भाई येलो, फिर येलो तो इसमें आ ही जाएगा, येलो आ जाएगा भाई, ये स्नेक टाइप है तो ये हो जाएगा भाई। ये भाई कलर हमने डाल दिया, ऊपर भाई हमको एक चांद मिल चुका है जो कि हमारे काम आने वाला है गाइस। तो चलते हैं आगे, आगे भाई कुछ सॉल्व होगा इस मिस्ट्री को। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमें एक की मिली, और ये भाई की से हमें एक बॉक्स को ओपन करना है, ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको ओपन किया, इसमें ये मिला जार गाइस। ये सब हमारे काम कहाँ आएगा बताइए, ये काम आने वाला है गाइस हमारे पास। जो अभी हमने देखा था वो तीन लोग थे भाई आत्माओं में घिरे हुए, वहाँ पे भाई ये सामान डालना, मंत्र छुमंतर करना पड़ेगा जिनसे भाई ने यहाँ से आज़ाद कराना है, इनकी आत्माओं को शांति दिलानी है। तो भाई ये सारा सामान मैंने रख दिया है, मशरूम किधर गई, मशरूम भी रख देंगे, हड्डी रख दी, मशरूम भी रखते हैं गाइस। ये सब मैंने गाइस यहाँ पे रख दिया है। अब मुझे क्या करना है, इस डोल को रखना है, ये भाई पहले चारकोल से यहाँ पे निशान लगाना है। तो गाइस हमने यहाँ पे चारकोल से निशान लगा दिया है, निशान लगाने के बाद यहाँ कुछ हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई ये यहाँ पे। अच्छा भाई ये देखा दीवार पे कुछ बना, दीवार पे जो पेंटिंग बनी है इससे गाइस हम एक आगे अभी यहाँ आए थे तो ये वाली पेंटिंग को हम कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइस, फिर ये आज़ाद हो सकते हैं। तो भाई चलो करते हैं ट्राई। अब गाइस हम बाहर आ चुके हैं, ये हम लगाने वाले हैं भाई, जैसे हमने अभी पेंटिंग में देखे वैसे सेम। लगाने के बाद ये आज़ाद हो गए भाई, ये तो गाइस दोनों लोग आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन भाई अभी एक आत्मा रह गई है, उस आत्मा को मारना पड़ेगा। ये भाई देखा, ये तो शैतान है कोई, इस शैतान को मारना पड़ेगा। अगर गाइस ये शैतान नहीं मारा ये हमें मार देगा भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहा। कुछ के लिए गाइस हमें क्या करना है, ये ढोल और ये रिंग जो है भाई ये डालनी पड़ेगी। ढोल पर गाइस ये रिंग लगानी है मुझे, पहले लगा दिया वो ये डाल दी। ये भाई शैतान मर रहा गाइस, देखा गाइस हमने एक शैतान को मार दिया, मैंने बोला था ना कि हम इसको मार देंगे, तो गाइस हमने इस शैतान को मार दिया है। फाइनली गाइस ये ढोल के अंदर चला गया ये शैतान जो था, इसका क्या करूँगा मैं, चलो ले लेता हूँ इसको भाई, इनकी आत्मा। वो 20 साल के बाद गाइस, 20 साल के बाद हमने इनकी आत्माओं को मुक्ति दिलाई है यार, ये बेचारे लोग मुक्त हो चुके हैं यहाँ पे। अभी दिखेंगे हमको कहाँ चले गए भाई, ये तो गायब हो गए गाइस। अरे आ गए ये गाइस, यहाँ से मुक्त हो चुके हैं, मतलब आत्माओं को मुक्ति मिल गई, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है बेचारों को, ये चले जाएंगे अब। लेकिन इसका क्या करूँ, ये तो मुझे स्टोर वाली बताएगी कि इसका क्या करना है। अच्छा ये कह रही है कि मैं इसका ध्यान रख सकती हूँ, तुम मुझ पे विश्वास करो। चलो यार विश्वास करने के अलावा और कुछ है भी तो नहीं, मैं इसका क्या करूँगा, भूतिया डोल है यार। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़की हर राज के बारे में जानती है, यहाँ पे क्या करने वाली है। और फिर इसके बॉक्स में भी कुछ मिस्ट्री का भाई, चलो इसको ओपन करते हैं भाई, देखते हैं ये क्या करेगी, इसका ये गड़बड़ करेगी भाई, मुझे लग रहा है कि ये भाई ये कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा क्या करेगी ये, क्योंकि भाई
ये तो कुछ चुड़ैल वुड़ैल लग रही मुझे। अभी ये क्या, जितने भी लोग गाइस मर चुके हैं उसकी आत्माएं तो इसके पास हैं भाई, सबके ढोल। ये भी कोई आत्मा है भाई। ओ गाइस, ये तो डायन निकली यार।